बच्चों, आज हम सुनेंगे एक अच्छी सी कहानी। ठीक है, तो चलो तैयार हो जाओ। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था ओ। उस लड़के का नाम था ओ। वो बहुत शैतान था, बहुत शैतानी करता था, बहुत नॉटी था। और ये जो लड़का था ओ, इसने एक बार अपनी मम्मी से कहा, गया किचन में और अपनी मम्मी से कहा, मम्मा मम्मा मुझे ना गार्डन में ले चलो। उसकी मम्मा क्या कर रही थी? उसकी मम्मा किचन में ओखली में मसाला कूट रही थी। ओ की मम्मा किचन में ओखली में मसाला कूट रही थी और उसकी मम्मा ने मसाला कूटते कूटते पूछा, बेटा तुम्हें गार्डन में जाना है घूमने? ओ ने कहा, हाँ मम्मा मुझे गार्डन में जाना है, चलो ना प्लीज। तो ओ की मम्मा ने ओ से कहा, ठीक है मैं अभी मसाला कूट रही हूँ और मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर हम लोग साथ में गार्डन में चलेंगे। फिर ओ की मम्मा ने मसाला कूटना किया बंद और वह गई अंदर। अंदर जाकर उसने ओढ़नी ओढ़ी, ओढ़नी ओढ़ी और कहा, बेटा चलो बेटा अब हम गार्डन में जाएंगे। और ओ की मम्मा और ओ दोनों गए गार्डन में। सुबह का वक्त था और अलग अलग तरह के पंछी पेड़ पर बैठे चहचहा रहे थे। गार्डन में घूमते घूमते ओ ने देखा कुछ पत्तों पर ये पानी की बूंदें थी। ये दिख रहा है आपको पानी की बूंदें? पानी की बूंद पत्तों पे थी। ओ ने पूछा, मम्मा मम्मा ये पत्तों पे ये पानी की बूंदें क्या है, कहाँ से आई? तो मम्मा ने बोला, बेटा ये पानी की बूंदें जब हम सुबह सोकर उठते हैं और बाहर जाते हैं, प्लांट्स को देखते हैं अपने बागीचे में या पत्तों पे देखते हैं, तो ये बूंदें आपको नज़र आएंगी। इसको क्या बोलते हैं? ओस। इसको बोलते हैं ओस की बूंदें, ओस की बूंदें। जब हम सोते हैं रात को, सुबह उठते हैं तो पानी की कुछ बूंदें ऐसे पड़ी रहती है पत्तों पे, उसे क्या बोलते हैं? ओस। ओ से ओस, ओस की बूंदें। ओ ने कहा, अच्छा ये तो बहुत सुंदर लग रहा है पानी की बूंदें पत्तों पे। चलो मम्मा अब हमने सैर कर लिया गार्डन का, बाग का, अब हम घर चलते हैं। और ओ और उसकी मम्मा घर चले गए। ओ से जो नया अक्षर हम आज सीख रहे हैं वो है ओ, स्वर ओ, स्वर ओ। आधा गोला, एक और आधा गोला, एक सोती रेखा और दो खड़ी रेखा और ऊपर एक टेढ़ी रेखा, टेढ़ी रेखा, ठीक है, इसे कहते हैं ओ। ओ याद आया कहानी वाला ओ? हाँ वही ओ। ओ से ओस, ओ से ओस, ओ से ओखली। मसाला कूटते हैं या दवाई भी बनाते हैं कभी कभी। ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओढ़नी मतलब दुपट्टा, ओ से ओढ़नी। आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में। बाय बाय।